हेलो गाइस, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि केवाईपी में अक्सर जो परेशानी आती है स्टूडेंट को, वो परेशानी है डू इट योर सेल्फ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले जो कोर्स होता था 2016 से लेकर 2017 के लास्ट तक, उसमें डू इट योर सेल्फ था। पहले 2016 में था, फिर उसको हटा दिया गया, फिर लाया गया। उसके बाद पहले जो है नंबर नहीं मिलता था, अब नंबर मिलता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि पहले जो है डू इट योर सेल्फ बनाने का कोई नंबर नहीं मिलता था, तो स्टूडेंट अक्सर उसको एंड कर दिया करता था। लेकिन अभी जो है नंबर मिलता है और इससे स्टूडेंट बनाता भी है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर डू इट योर सेल्फ केवाईपी के स्टूडेंट नहीं बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो जो है केवाईपी कोर्स करते हैं लेकिन कुछ खास सीख नहीं पाते हैं, तो अभी भी परेशानी होता है। तो क्या करते हैं, लर्नर फैसिलिटेटर अक्सर जो है उसका हेल्प करते हैं। तो मेरा ख्वाहिश है कि आज से जो है कोई भी लर्नर का हेल्प लर्नर फैसिलिटेटर नहीं करें। अगर आप जो है केवाईपी का स्टूडेंट है या केवाईपी से आपको लगाव है, तो प्लीज़ आप जो है मेरे चैनल में अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज जो है मेरा ये केवाईपी से रिलेटेड ये फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए मैं फर्स्ट वीडियो का डू इट योरसेल्फ बनाने का तरीका को बताऊँगा, और इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको जो है केवाईपी के कोर्स करने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आप लर्नर फैसिलिटेटर हैं, तो प्लीज़ आप लर्नर को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिए, आपका परेशानी बहुत कम हो जाएगा और आपको स्टूडेंट का जो है डू इट योर सेल्फ बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद कोशिश करके बनाएगा और उससे जो है आपके स्टूडेंट को बहुत लाभ भी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो है सेशन नंबर 1 का डू इट योर सेल्फ आपको मैं बना के दिखाने वाला हूँ और बताऊँगा कि कैसे आप जो है इजी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक मर तो शायद एक अटेम ले चुका है इस लर्नर ने, तो मैंने दूसरा अटेम आपको करके दिखा रहा हूँ। तो आप जब डू इट योर सेल्फ चालू करेंगे, तो यहाँ स्टार्ट एग्ज़ाम चालू करना होगा आपको। चलिए स्टार्ट एग्ज़ाम चालू कर दिया हूँ मैं, और उसके बाद आपका इस तरह से क्वेश्चन डिस्प्ले होने लगेगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला सेशन का पहला क्वेश्चन है कि रिफ्रेश द डेस्कटॉप ऑफ योर सिस्टम यूजिंग द शॉर्टकट ड्रॉप डाउन मेन्यू और कम्प्लेक्स मेन्यू बाई क्लिकिंग राइट बटन ऑफ द माउस। आपको जो है सबसे पहले यहाँ स्टार्ट एग्ज़ाम यहाँ से भी करना होगा, उसके बाद आपका एक वो जो क्वेश्चन जो आप स्टार्ट किए हैं उसका आंसर देना होगा आपको। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे एक तरफ से, पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कह क्या रहा है। जैसे कह रहा है रिफ्रेश द डेस्कटॉप ऑफ योर सिस्टम के डेस्कटॉप को आपको रिफ्रेश करने के लिए बोल रहा है, वो भी इंस्ट्रक्शन के साथ कह रहा है कि क्लिक करें, कैसा, क्लिकिंग राइट बटन ऑफ द माउस। आप राइट बटन माउस का क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक रिफ्रेश का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा और इस तरह से फिर आप सबमिट कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप देखे होंगे कितना आसानी से बन गया, तो दूसरा क्वेश्चन उसी तरह से आप पढ़ लेंगे। कह रहा है कि शोर द आइकन ऑन अ डेस्कटॉप अकॉर्डिंग टू द नेम बाई क्लिकिंग द राइट बटन ऑफ द माउस एंड सेलेक्ट शॉर्ट बाई ऑप्शन। तो फिर राइट क्लिक बटन माउस का राइट क्लिक करने के लिए बोल रहा है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और उसके बाद शॉर्ट बाई पे भी जाने बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए जाने के लिए बोल रहा है शॉर्ट बाई पे, तो मैं शॉर्ट बाई पे आ जाता हूँ। उसके बाद कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू बाई साइज, सॉरी कह रहा है अकॉर्डिंग टू द नेम्स, नेम्स के अनुसार जो है हमारे इस आइकन को अरेंज करने के लिए बोल रहा है। तो शॉर्ट बाई पे जाने के बाद नेम पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। इतना बहुत आसानी से आपका डू इट योरसेल्फ बन जाएगा। और दूसरा तीसरा क्वेश्चन है आपका इनेबल द ऑटो अरेंज द आइकन ऑप्शन बाई क्लिकिंग द राइट बटन ऑफ द माउस एंड सेलेक्ट व्यू। आप जो है यहाँ पे भी राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको जो है इनेबल करने के लिए बोला है ऑटो अरेंज को, तो इनेबल कर दीजिए आप ऑटो अरेंज को, यहाँ से इनेबल कीजिए और सबमिट कर दीजिए। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी देखिए कितना आसानी से बन गया, और थर्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए शोर द आइकन ऑन अ डेस्कटॉप अकॉर्डिंग टू द आइटम। फिर सेम क्वेश्चन पहले के तरह है, लेकिन यहाँ पे जो है शॉर्ट करने के लिए बोल रहा है आइटम के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, राइट क्लिक करेंगे हम लोग, जाएंगे शॉर्ट बाई पे, और यहाँ पे आपको अभी आना है आइटम टाइप्स। इस तरह से क्लिक करने के बाद आप कर देंगे सबमिट। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर से कह रहा है क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन योर डेस्कटॉप
on your desktop and name it as my document by clicking the right button of the mouse. फिर से राइट बटन माउस का क्लिक करने के लिए बोला, चलिए राइट बटन माउस का क्लिक कर दीजिए. उसके बाद कह रहा है न्यू पे आइए, न्यू पे भी आप आ जाइए. उसके बाद कह रहा है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक किए, न्यू पे आएंगे और उसके बाद आ जाएंगे आप यहाँ पे क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर दीजिए. बस इतना ही करने के लिए बोला गया था, सबमिट कर दीजिए. फिर अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. कह रहा है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑफ द विंडोज़. विंडोज़ के स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के लिए कह रहा है. जैसा कि आप जानते हैं कि इस बटन को स्टार्ट बटन कहा जाता है, यहाँ पे क्लिक कीजिए. बस उसके बाद सबमिट कर दीजिए. तो फिर अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे. अगला क्वेश्चन में कह रहा है ओपन डिस्प्ले सेटिंग बाई यूजिंग शॉर्टकट ड्रॉप डाउन मेन्यू और कम्प्लेक्स मेन्यू बाई क्लिकिंग द राइट बटन ऑफ द माउस. राइट बटन का यूज़ करने के लिए बोल रहा है. उसके बाद आपको ओपन करने के लिए बोल रहा है सेटिंग्स. कौन सा डिस्प्ले सेटिंग. तो डिस्प्ले सेटिंग पे आप आ जाइए. इतना ही करने के लिए बोला गया, यहाँ से आप सबमिट कर दीजिए. अब फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग. ओपन द पर्सनलाइज सेटिंग यूजिंग द शॉर्टकट ड्रॉप डाउन मेन्यू और कम्प्लेक्स मेन्यू बाई क्लिकिंग द राइट बटन ऑफ द माउस. माउस के राइट बटन को क्लिक करके पर्सनलाइज को ओपन करने के लिए बोला. राइट क्लिक किया और पर्सनलाइज पे ओपन क्लिक कर देंगे और इस तरह से सबमिट कर देंगे. तो ये भी क्वेश्चन आपका 8 नंबर भी बहुत आसानी से बन जाएगा. और फिर 9 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग. चेंज द साइज ऑफ द आइकन अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे जो आइकन अवेलेबल है उसका साइज को चेंज करने के लिए बोलना है. तो कैसा करने के लिए कह रहे हैं. अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप टू स्मॉल बाई क्लिकिंग द राइट बटन. फिर से राइट बटन का यूज़ करने के लिए बोला. राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे शॉर्ट करने और उसके बाद कह रहे हैं स्मॉल साइज में कन्वर्ट करना है. तो व्यू में आ जाइए. उसके बाद यहाँ पे आपका ऑलरेडी स्मॉल में है ही, फिर भी आप स्मॉल पे क्लिक कर दीजिए, आप सबमिट कर दीजिए. इस तरह से आप 9 नंबर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं. तो दोस्तों मैं बता दूं कि 10 नंबर में जो है अभी भी टेक्निकल कुछ ना कुछ एरर है, जिसके वजह से कि 10 नंबर आपसे भी नहीं बनेगा जल्दी से. और हम भी अगर आपको बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा. इसको जो है कई मरतबा बनाना पड़ेगा आपको. तो क्वेश्चन कह रहा है कि ओपन द रिसाइक्लिंग बिन अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप बाई डबल क्लिकिंग ऑन इट. ये रिसाइक्लिंग बिन है, इसमें आपको डबल क्लिक करके ओपन करने के लिए बोल रहा है. अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ उसके बाद सबमिट करता हूँ तो नहीं ले रहा है. इस तरह से आप कई मरतबा बार बार क्लिक करेंगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा. थोड़ा टाइम लेगा, 4-5 मिनट टाइम लेगा, क्योंकि मेरा जो है आप देख रहे होंगे कि 9 क्वेश्चन आपका सिर्फ 4 मिनट के अंदर में बन गया है. तो आप और 2 मिनट टाइम देंगे तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा. तो देखें कि आप कितना आसानी से आप जो है किसी भी सेशन का डू इट योरसेल्फ मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको बनाने में बहुत आसानी होगा. और आप इसी तरह से बनाएंगे तो बहुत इजी वे में बना लेंगे. और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर जिस रोज आपसे डू इट योरसेल्फ कंप्लीट बनने लगेगा, आप इसी तरह से बनाने लगेंगे तो आपका जो है KYP जो कोर्स कर रहे हैं ये कोर्स भी करने में बहुत मज़ा आएगा. और जब सीख के निकल जाएंगे, एग्ज़ाम दे के निकल जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, KYP में आके मैंने कुछ सीखा था. तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए. क्योंकि मेरा जो है इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ और उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल पाएगा और उसका आप लाभ उठा पाएंगे. चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. तो मिलते हैं फिर अगला वीडियो में. अगर आप अभी भी चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.